अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सर? तो आप लोगों ने वेदर रिपोर्ट्स तो देखी होंगी कि यूएई में जो है वो वेदर कंडीशन कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाली है। और ये आपको मैं हाल चेक कराऊं कि बारिश अभी थोड़ी सी हुई है, तो ये हाल चेक करें। और ये एरिया तो फिर भी नोवेला कमर्शियल है, तो ये एरिया जो है, सेफ़ इन अ सेंस कि यहाँ पे कच्चा एरिया नहीं है, तो इसलिए इतना पानी नहीं खड़ा। लेकिन जो ओल्ड मोवेला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो चुका है, और गाड़ियाँ जो है उसके आधे अंदर तक पानी आ गया है। तो ये आज कंडीशन है। मुझे ज़रा कहीं बाहर काम से जाना था, और ये मानो भी साथ है, और अयान मेरा बेटा भी साथ है। तो हमें टैक्सी ही नहीं मिल रही है, और जो बुकिंग टैक्सी है हमने उसको कॉल किया, वो कंडीशन की वजह से कह रहे हैं कि कोई भी टैक्सी जो है वो इधर नहीं सेंड कर रहे इस एरिया में। तो जहाँ पे कहा जाता है कि बारिश अल्लाह की रहमत है, वहाँ पे बारिश जो है वो कभी कभी जहमत भी बन जाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ कि यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन पता नहीं बाकी शारजा में क्या हाल है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये बारिश की रहमत लेके आए हम सब के लिए। तो बस ये एक छोटा सा व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि दुनिया में जहाँ कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इस बारिश में हम फलस्तीनी भाइयों बहनों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनकी मदद फरमाए। आमीन। अपने साथ दूसरों को बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।